संस्थान यूनिलीवर की एक एजेंसी थी टीकरी में, वहाँ से जो प्रतिष्ठान के ओनर हैं वो अपना कैश जो 4,69,000 रुपये था एक बैग में रख के साइकिल से अपने घर जो कि वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था वहाँ जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार दो अपराधियों ने उनके उन पर हमला करके वो पूरा कैश का बैग वहाँ से लूट के फरार हो गए। अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसपी यमुना पार श्री सौरभ दीक्षित की टीम ने, जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष तथा यमुना पार की एसओजी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण तथा शत प्रतिशत बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराई है। दो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम नीरज पांडे और कमलेश पांडे। नीरज पांडे इन्हीं के यहाँ का कर्मचारी था जिसके ऊपर काफ़ी देनदारी थी। उसका कहना है कि उसी से मोटिवेट होके उसने अपने कज़िन ब्रदर कमलेश के साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया था। जैसा मैंने बताया शत प्रतिशत कैश मतलब 4,69,000 कैश की बरामदगी, घटना में प्रयुक्त बाइक की बरामदगी, साथ ही साथ अवैध असलहा कारतूस और इसमें बिजली का एक सख्त केबल इस्तेमाल किया गया था इस घटना में उसका भी उसको भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें जो पकड़ा केबल है वो केबल के जरिए किस तरह से और इसमें शुरुआती दौर में ही ऐसा लगा कि सटीक मुखबिरी के उपरांत इस घटना को पारित किया गया और कहीं ना कहीं इनके कर्मचारी भी इनके गतिविधियों से शक के दायरे में आ रहे थे। उन्हीं में जब पूछताछ हुई तो एक जो उनका कर्मचारी था नीरज उसके मोबाइल को जब चेक किया गया तो उसमें इस तरह के केबल्स जो हैं वो रेसिडुअल जो केबल्स होते हैं उनको दूसरे को बेचे जाने की बात आ रही थी उन मैसेजेस में। तब उनसे जब पूछताछ हुई तो चीज़ों का अनावरण हुआ। केबल जो होती है लंबी वाली, कई बार आपको पता है ना मोटी वाली केबल वो है, चले जाए तो मैं बताता हूँ। सर ये पालीवाल साहब, ये पालीवाल साहब वो पूछ रहे तमंचा तीर्थक का सेवा है तो ये केवल जो है बोलते रहें थोड़ा।